भैया दो टिकट जल्दी। भैया हम जल्दी करते हैं, जल्दबाजी नहीं। निश्चिंत हो के सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़, और हमारे साथ कैमरा मैन में जुड़े हुए हैं ऋषभ कुमार मिश्रा और शंकर कुमार मिश्रा। और आज हम एक बार फिर दरभंगा मिर्जापुर वार्ड नंबर 18 पहुंचे हैं। यहाँ की सड़क की स्थिति दिखाने के लिए गोसाला रोड में हम पहुंचे हैं। हमें सड़क की स्थिति देखने से यही लगता है कि यहाँ पर जो नगर विधायक है, यहाँ पर जो नगर निगम है, जो वार्ड पार्षद है यहाँ पर, वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं कि लोगों को यहाँ से वहां तक जाने का मन नहीं कर रहा है। और जब यहाँ पर लगातार बारिश जब होती है, ये वार्ड एकदम पूरा पानी से भर जाता है। पोखर नाले रोड एक हो जाते हैं पानी के वजह से। और यहाँ पर जो गोशाला कैमरा में गोशाला की तरफ दिखाई है, यहाँ पर जो गोशाला की स्थिति है वो तो और बदतर है, बहुत खराब हालत में है। यहाँ की गायें इतनी परेशानियां होती हैं। और हम आप सभी को यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करके देखते हैं कि इतना यहाँ पर कितनी परेशानियां हैं। और तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला जी, आपका क्या नाम है? कन्हैया कुमार झा जी। यहाँ का जो बारिश के बाद यहाँ पर जो सड़क की स्थिति बनी हुई है, आप इसमें जो है नगर विधायक और नगर निगम को क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बेकार है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा भी पानी आता है पूरा रोड मिर्जापुर वार्ड नंबर 18 का जो है, जितना भी रोड है टोटल ही खराब है। यहाँ का पार्षद जो है, जो अभी वर्तमान में पार्षद है, वो कोई भी साफ सफाई, नाला का साफ हो या रोड का सफाई हो, वो कुछ भी यह नहीं होता है यहाँ पे। आप तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को क्या है, यहाँ का नगर निगम का जो मेन आदमी है वो आकर के यहाँ पे चेक करे, देखे। और यहाँ पर जो गौशाला है यहाँ पास में, तो उसकी क्या कैसी स्थिति अभी? गौशाला का तो और भी बहुत बुरा या हाल है। इसका जितना भी सदस्य है सब चोर सब है। आमदनी इसका इतना है, लेकिन असुरने वाला और गाय को रक्षा करने वाला एक भी आदमी नहीं है। आप सभी देखा कि यहाँ की कितनी स्थिति खराब है। जो कि लोगों ने अभी जिनसे बातचीत किया था, उन्होंने कहा कि यहाँ की जो सड़क है स्थिति खराब है। यहाँ की गौशाला की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ बहुत जल जमा होता है, जिसके कारण गायों को बहुत परेशानियाँ होती हैं। हमें यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा यही पता चला है, तो हम यहाँ के नगर विधायक जो भी हैं, यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ की स्थिति जल्द से जल्द ठीक करवाएं, जिससे कि लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ ना हो। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस नए मिलते हैं अगले दिन कुछ नए खबरों के साथ, कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।